श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, बुमराह और जडेजा हुए टीम से बाहर, फिट होने के बाद भी क्यों नहीं मिली जगह। साल 2023 में भारतीय टीम को अपनी पहली घरेलू सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है। सीरीज 3 जनवरी से शुरू हो जाएगी। भारतीय टीम पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, इसके बाद टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलेगी। इसको लेकर बीसीसीआई ने मंगलवार रात को टीम का ऐलान कर दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई है। ODI सीरीज के लिए रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। मुकाबले 3 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक भारत श्रीलंका के बीच व्हाइट बॉल सीरीज खेली जाएगी। बात करें अगर सीरीज की तो कई चौंकाने वाले नाम इस सीरीज में टीम इंडिया में शामिल किए गए। इसके अलावा कई सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम दे दिया गया। बात करें सबसे पहले खिलाड़ी की तो ऋषभ पंत रहे, जिन्हें भारतीय टीम की T20 और साथ ही वनडे सीरीज से आराम दे दिया गया है। इसके अलावा KL राहुल की भी उपकप्तानी को छीन लिया गया है। बहरहाल इन सभी के बीच भी जो दो नाम सामने रहे वो रहे रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का। भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नाम ना तो T20 और ना ही वनडे सीरीज में दिखाई दिया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी फिटनेस को लेकर अपनी अपडेट दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद BCCI ने उन्हें किसी भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया। ऐसे में फैंस के मन में यही सवाल आया कि आखिरकार दोनों खिलाड़ी फिट हैं, इसके बावजूद भी उन्हें BCCI ने टीम में मौका क्यों नहीं दिया गया है। ऐसे में BCCI ने इस बात की अब जानकारी दी है, अपडेट दी है कि आखिरकार दोनों खिलाड़ी टीम से क्यों बाहर हैं। जानकारी के लिए आपको भी बता दें कि BCCI ने जब दोनों टीमों का चयन किया तब BCCI पूरी तरीके से खिलाड़ियों के फिटनेस के ऊपर विचार कर रहा था। BCCI का मानना था कि किस खिलाड़ी को शामिल किया जाए किसको नहीं, इस पर उनकी फिटनेस से फैसला किया जाए। ऐसे में रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट भले ही हो गए हैं, लेकिन BCCI किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसका बड़ा कारण है कि साल 2023 के अंत में भारतीय टीम को एशिया कप और साथ ही ICC वर्ल्ड कप भी खेलना है। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस पर कोई असर पड़े इस वजह से BCCI किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को और आराम दिया गया है और दोनों खिलाड़ी अगली सीरीज पर वापसी कर सकते हैं। बता दें कि रविंद्र जडेजा को हाल ही में बांग्लादेश की सीरीज पर शामिल किया गया था, लेकिन वह पूरी तरीके से फिट नहीं थे, इस वजह से उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा बुमराह की बात करें तो वह पिछले कुछ समय से इंजरी से जूझ रहे थे, हालांकि उन्होंने हाल ही में अपनी फिटनेस की अपडेट दी थी। जो कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।